पंगे लेने और मैं भाई क्या ही पीछे करूँ इसको अब भाई मैं क्या रूँ खुश हो जा भाई तू आगे जाके मेरे को 2 सेकंड लगने पीछे करने बस सो गुड आफ्टरनून गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई कैसे आप सभी लोग हैं, होप बढ़िया होगा, बढ़िया होने चाहिए। तो गाइज भाई आज है डेट देख लो भाई 8 जुलाई और टाइम हो रहा है 2:26 में और भाई धूप देख रहे हो कितनी तेज़ आ रखी है। यहाँ पे खड़ी अपनी गाड़ी प्यारी सी और यहाँ खड़ी अपनी प्यारी सी कावासाकी Z900 जिसका कोल्ड स्टार्ट हो रहा है। और गाइज इसमें देखो भाई एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और भाई देखो यहाँ पे किसी के जूते छप गए थे, यहाँ पे देख रहे हो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, किसी के शूज के नीचे के ना शू का जो होता है पार्ट वो वाला यहाँ पे गर्म होकर चिपक गया था। बाकी बाइक देख रहे हो यार बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है क्योंकि यार कल संडे राइड हुई नहीं और मैं सोचा संडे राइड पे सुबह सुबह साफ करूँगा बट अभी मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली किसी काम से, इसलिए मैं सोचा कि व्लॉग बनाते हुए चलते। और Z900 भी बहुत टाइम हो गया नहीं चलाया और Z900 बहुत टाइम से नहीं चलाया भाई, वो हालत आपको उसकी बाइक की हालत देख के पता चल रही है क्या कंडीशन हो रखी है बाइक की। तो अभी देखो कोल्ड स्टार्ट हो रहा है भाई, अपने बाइक में पेट्रोल हमेशा फुल रहता है, जैसे यहाँ पे बिल्कुल ई पे आ जाएगा ना बिल्कुल जैसे पेट्रोल पूरा लो होगा वैसे पूरा हम फुल भरवा लेते हैं और एवरेज देखो 14.7 के। बाकी कोल्ड स्टार्ट देखते हैं अभी तक हो गया नहीं हो गया, तो भाई कोल्ड स्टार्ट भी हो चुका है, फटाफट निकलते हैं क्योंकि हम हो चुके हैं लेट। और भाई घर से निकलते मौसम हो चुका है एकदम तगड़ा भाई, बिल्कुल धूप चले गई और मौसम देख रहे हो कितनी प्यारी हवा चल रही है। मेरे को तो लगा आज GoPro मेरा गर्मी सह ही नहीं पाएगा लेकिन भाई यहाँ पे देखो मौसम ठीक होता हुआ मेरे को दिख गया। बाकी आज दिखाते हैं आपको तगड़े तगड़े रिएक्शन अपनी Z900 पे। भाई रिएक्शन आना कभी बंद नहीं होते अपनी बाइक पे। ये देखो अंकल जी का भाई रिएक्शन देख रहे हो बच्चों के करो रोड क्रॉस करने से पहले। इतने दिनों बाद चला रहा हूँ, क्या पिकअप है भाई, मज़ा आ गया भाई। डेली चलाऊंगा ना Z900 तो मन भर जाएगा, कभी कभी चलाओ तो भाई ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही जहाज चला रहे भाई, मतलब एक्सीलेटर देते उड़ जाती है भाई कसम से यार
यार ये रोड कभी पूरी खाली मिलेगी या तो कभी पूरे ट्रैफिक से भरे हुए मिलेगी। रिएक्शन देखो लोगों के। पंगे लेने और मैं भाई क्या ही पीछे करूँ इसको, भाई मैं क्या खुश हो जा भाई तू आगे जाके, मेरे को 2 सेकंड लगने पीछे करने बस। ली मैंने अपना सारा काम निपटा लिया जो मेरा काम था आज का, तो ये अभी देखो 7:19 हो चुके हैं, तो अभी रेड लाइट पे खड़े हम, रेड लाइट ओवर होते ही लेते एक तगड़ा सा पिकअप और चलते अपने दोस्त के पास, उसको उठाना है साथ में, फिर उसके साथ उसको उठाएंगे फिर लेके चलेंगे उसको भी राइड पे। भाई वो भी बड़ा परेशान होता है कि भाई जी 900 लिया, घुमा दे आज उसको भी घुमा देते हैं। भाई क्रैकल सुनो बाइक में से, भाई क्या पटाखे फट रहे, क्या ही पटाखे फट रहे हैं ना। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने दोस्त के पास, ये रहा हरिनगर का पुलिस स्टेशन भाई, इसी के अंदर मारते एंट्री, अब देखते हैं कहां मिलेगा वो। सो गाइस पीसीआर में भाई आ चुके हैं अपने दोस्त की, माइक चला नहीं चला था इसका इसका नहीं, माइक पे चला के देख चलते हैं। वो ड्रिंक कर दे वो वाला।
अपने आप हट, सारे अपने आप हट जा रहे हैं। ये देखो ब्रेजा में हुआ था ना अपने साथ, ब्रेजा में गुस्सा होता है। बत्ती चला के चल रहे हम, एक आई टेन वाला है एकदम पूरी, इसने चिपका दी, इनसे बची थी गुजरे से। मैं चला रहा था इसलिए बच गई थी। ओ भाई ओ भाई डंडा दे दे इसको यार। पहले मैं जा रहा था मेन नाले से, फिर मैं नाले के पीछे वाली रोड से जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेन नाले पे भाई अभी हो रहा है, मतलब रात हो रही है, तो भाई बहुत ट्रैफिक होगा उस रोड पे और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही होगी। तो इस वजह से सेफ़ रास्ता थोड़ा मैंने ये चुना कि थोड़ा डस्ट फ्री है, ये यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती ना, ये डस्ट है, इसलिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। भाई सारे बंदे रास्ता खाली कर देते सारे।